हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अदिति ब्लॉग्स। आज मैं फिर से आई हूँ आप सबके सामने एक और टॉपिक लेकर के, जो कि है डायपर्स। और जो कि आज एक बहुत मोस्ट कॉमन है आज के वर्ल्ड में बेबीज के लिए, क्योंकि इनमें एक हॉस्पिटल में भी जैसे बेबी एक बॉर्न होता है, उसे नर्सरी में केयर टेकर के लेके जाते हैं और वहां भी उसे डायपर ही शुरुआत की जाती है पहनाने से। और ये बहुत अच्छी भी चीज है, कई बार इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और कई जगह पे एक अच्छी भी चीज है एज अ मदर के लिए। क्यों अच्छी चीज है? बिकॉज पहले के टाइम में बच्चे के कपड़े गीले हो जाते थे रात में, उसे हम देख नहीं पाते, मां सोती रह गई, उसे दोस्तों पता नहीं था कि बच्चे कपड़े गीले रह गए, बच्चे को ठंडक लग जाती थी, उसे सर्दी जुकाम हो जाता था उस गीलेपन से। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि किसी चीज की अच्छी चीज भी होती है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डायपर बहुत अच्छा चीज है, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, बच्चे को भी रैशेज आते हैं डायपर से। इट्स डिपेंड्स कि आप अपने डायपर को, जो आप डायपर यूज कर रहे हो वो कैसा डायपर यूज कर रहे हो, कितने टाइम पीरियड में आप मतलब उसका बच्चे का डायपर आप चेंज कर लो, ये सब कुछ पे डिपेंड करता है। ताकि आपका बच्चा जो है, बच्चे की स्किन है वो रैश फ्री रहे, एक हेल्दी स्किन रहे। तो आज मैं लेकर के आई हूँ तीन डायपर्स जो कि मैंने पर्सनली यूज किए हुए हैं अपनी बेबी गौरी और या काशी कह लीजिए आप उसे। और सबसे फर्स्ट जो डायपर मैंने यूज किया था वो हॉस्पिटल से स्टार्ट हुआ था, जो कि वो था हिमालय ब्रांड का। आफ्टर दैट आई यूज पैम्पर, एंड अभी जो रिसेंटली मैं यूज कर रही हूँ वो मैरी कोको पैंट्स यूज कर रही हूँ। तो जो मुझे पर्सनली अगर न्यू बॉर्न बहुत अच्छा लगा वो था टेप वाला डायपर, जो कि आजकल मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने बंद कर दिया है। अभी आप ज्यादातर मार्केट में पैंट स्टाइल ही डायपर्स देखोगे, बट फॉर अ न्यू बॉर्न एज अ मदर आई फील कि वो टेपिंग वाला ज्यादा बेटर है। बिकॉज उस टाइम पे बच्चों के हाथ पैर इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि उसे इधर उधर हिलाना में भी थोड़ा सा हमें डर लगता है कि कैसे उठाएंगे क्या करेंगे। तो आराम से टेप वाले में आराम से उसको टेप हटाई और उसे निकाल दिया, तो वो मुझे ज्यादा इजी लगा। इट डिपेंड्स मदर टू मदर चॉइस। तो आज मैंने ऐसा बताया कि आपके पास तीन डायपर्स लेकर के आई हूँ, पैम्पर्स, हिमालय एंड मैनी कोको पैंट्स। तो आज हम देखते हैं कि कौन सा डायपर कितना ज्यादा अच्छा है, किसकी एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज्यादा अच्छी है। बिकॉज वी ऑल नो कि बच्चा एक बार में 80-100 ml तक टॉयलेट करता होगा। तो लेट्स सी कि कौन सा डायपर ज्यादा बेटर है हमारे अकॉर्डिंग। और बिकॉज तीनों ही अपनी जगह पे बहुत अच्छे डायपर है, बट लेट सी कि किसकी किसकी क्या क्वालिटीज है या क्या फीचर्स ज्यादा अच्छे हैं किसमें। तो बाकी मैं बता दूं, ये तीनों के तीनों पैम्पर्स, हिमालय एंड मैनी कोको पैंट्स सारे ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है। जैसे कि मैनी कोको पैंट्स न्यूबॉर्न बेबी में भी आता है, स्मॉल साइज में भी है, लार्ज में भी है, एक्स्ट्रा लार्ज में भी है। वैसे ही हिमालय का भी है, न्यूबॉर्न बेबी भी अवेलेबल है आपके पास, स्मॉल साइज, लार्ज साइज, एक्स्ट्रा लार्ज, एंड सेम गोज विद पैम्पर्स ऑल्सो। तो आपको सिर्फ जब आप डायपर चूज करते हो तो आपको 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 देखना पड़ता है कि मेरे बच्चे का वेट कितना है। आपको वेट के अकॉर्डिंग ही आपके बच्चे के लिए डायपर सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं, फर्स्ट हम उठाते हैं पैम्पर्स को। ये भी पैंट स्टाइल का डायपर है और यहाँ पे जो मैंने पीसेस रखे हुए हैं वो सैंपल पीस रखे हुए हैं, जो भी आप जो आपको समझ में आए आप उस अकॉर्डिंग अपने बच्चे के लिए यूज कर सकते हो। तो ये भी डायपर, सॉरी पैंट स्टाइल आपका ये है। तो लेट्स सी, और जो ये हमें कहता है, देखिए ये हमारे पास अवेलेबल है न्यू बेबी स्मॉल एंड मीडियम साइज में। जो इसका लास्ट साइज आता है वो 7-12 kg तक में आता है, विच इज मीडियम साइज। एंटी रैश लोशन बेस्ड इन्होंने पैम्पर में बताया हुआ है, एंटी रैश लोशन है और इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं इस पैम्पर में, सो दैट इट शुड बी अ रैश फ्री डायपर फॉर आर बेबी, ताकि हमारे बेबीज के लिए रैश फ्री डायपर हो सके। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है। तो ये एनबी है, न्यू बॉर्न बेबी का है, विच इज अप टू 5 kg के बच्चों तक के, जो 5 kg तक का बच्चा होगा उसके अकॉर्डिंग ये परफेक्ट साइज है। तो एक तो ये हो गया हमारे पास, दूसरा हमारे पास है हिमालय का। अगेन जो हिमालय है ये फिर से हमारे पास पैंट स्टाइल में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिमालय का सिर्फ पैंट स्टाइल है,
हिमालय का आपके पास टेपिंग वाला भी है न्यू बॉर्न में, तो जो हमारे पास है अभी वो तो स्मॉल साइज का अवेलेबल है जो कि 4 से 8 किलो तक के बचे का है। अगेन ये एंटी रैश शील्ड डायपर है और इसमें भी एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। तो ये कुछ ऐसा सा है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इट्स लिटरली वेरी सॉफ्ट, ऐसा लगेगा पेपर हो। और मुझे पर्सनली हिमालय भी काफी अच्छा लगा। देन नेक्स्ट आपका ये मैंने कोको पैंट्स जो कि मैं रिसेंटली यूज कर रही हूँ वो है ये। तो अभी हम देखते हैं कि किस डायपर की क्या एब्जॉर्प्शन पावर है। इसकी क्वालिटी है काफी सॉफ्ट है, इट्स नॉट लाइक कि हिमालय सॉफ्ट है, ये सब ये सारे डायपर ही सॉफ्ट है और ये बेबी के स्किन को अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। यहाँ पे जस्ट हम टेस्ट करते हैं कि कौन सा डायपर हमारा नाइट के एब्जॉर्प्शन नाइट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग या नाइट के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग बच्चे के लिए ज्यादा बेटर है। ये हो गया हमारा मैनी कोको पैंट्स। तो हम देखते हैं कि किसकी क्या एब्जॉर्प्शन पावर है। जैसा मैंने आप लोग को बताया कि बच्चा एक बार में 80-100 ml तक ही सोलर ट्रांसफॉर्म करता है। लेट्स सी कि क्या होता है। तो सबसे पहला जो ये मेरे पास है हिमालय का, इस पे हम देखते हैं। नेक्स्ट हम इस पे देखेंगे पैंपर्स पे। नेक्स्ट हमारा आता है मैमी पोको पैक्स। अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन पार। सबसे पहले हमने डाला था हिमालय पे, इसे शुरू करते हैं हम। कितना एब्जॉर्प्शन है तो आप देख सकते हो, बहुत लाइट सा आया हुआ है इसके ऊपर। नेक्स्ट हमारा है पैंपर्स। अगर मैं पैंपर्स की बात करूं तो पैंपर्स में एज अकॉर्डिंग टू हिमालय ज्यादा इसमें हमें वेटनेस दिखाई दे रही है। अगर अब मैं बात करूं मैमी कोको पैंट्स की, इस पे कितनी एब्जॉर्प्शन आई हुई है तो इस पे भी आप देख सकते हो कि इस पे भी वेटनेस दिखाई दे रही है। तो एज पर मी हिमालय में मुझे वेटनेस थोड़ी सी कम दिखी है एज अकॉर्डिंग टू मैमी कोको पैंट्स और पैंपर्स के अकॉर्डिंग। इट्स नॉट लाइक कि ये दोनों डायपर खराब है, ये दोनों डायपर भी अपनी जगह काफी सही है और ये दोनों की दोनों डायपर्स भी हमें 12 आवर्स का ड्राइनेस श्योर कराते हैं। एंड फॉर मैमी मैमी कोको पैंट्स आई एम 100% श्योर बिकॉज मैं काशी को इसे रात के 11 बजे के अराउंड चेंज करती हूँ, 11:30 के अराउंड, एंड मॉर्निंग में 6-7 o'clock जब वो अगेन उठती है तब मैं इसे चेंज करती हूँ। तब तक मुझे इसमें कोई लीकेज कुछ भी ऐसा इश्यू नहीं देखने को मिला है। एंड एज आई सेड कि बच्चों को कई पेरेंट्स कहते हैं मेरे बच्चों को रैशेज आ जाते हैं डायपर वाले से, तो ये आपके ऊपर है कि आप बच्चों को कैसे डायपर पहना रहे हैं, कितने ड्यूरेशन पे आप उसे चेंज कर रहे हैं। क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि अगर जो भी स्किन वेट रहेगी, गीली रहेगी, प्रॉपर साफ सफाई नहीं होगी जगह की, तो वहां पर ड्राइनेस एंड रैशेज आएंगे ही आएंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के तीनों डायपर्स में दिखाया कि इनकी एब्जॉर्प्शन पावर्स क्या है, किसकी बेटर है किसकी नहीं बेटर है, बट मेरे अकॉर्डिंग तीनों ही डायपर्स अपने अपने प्लेस पे बहुत बेटर है। और जो भी वेटनेस पैंपर्स और मैमी कोको पैंट्स ने की वो भी बहुत लिमिटेड थी, इट्स नॉट लाइक कि वो बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा है। इवन अभी भी मैं इसको उठा के दिखाऊँ किसी के नीचे भी मुझे वाटर आपको नहीं दिखेगा।
किसी के नीचे पे भी वाटर नहीं है कि कहीं पे भी लीकेज या कुछ भी ऐसा इश्यू आया हो हमें. हमें इन तीनों डायपर्स से कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं आया है एंड आई हैव पर्सनली यूज, मैंने पर्सनली इन तीनों डायपर्स को यूज किया हुआ है एंड ऑल द थ्री डायपर्स आर वेरी फ्रेंडली टू बेबी स्किन. बेबी की स्किन के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छे हैं. हमें जैसा मैंने शुरुआत में भी आपको बताया कि हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है जब भी हम बेबी को डायपर्स पहना रहे हैं या यूज कर रहे हैं डायपर्स के लिए. विचार जब भी आप बेबी को डायपर्स पहना रहे हो, सबसे बेसिक थिंग, आपको जो भी आप डायपर पहना रहे हो उसका जो थिकनेस है, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो फैब्रिक है, वो आप डेफिनेटली चेक करो. पहले रिव्यूज चेक करो कि क्या उस डायपर के रिव्यूज आए हुए हैं, क्या मेरे बेबी के लिए वो सूट करेगा नहीं करेगा, मेरी बेबी का स्किन टाइप कैसा है, क्या मेरी बेबी के लिए सेंसिटिव स्किन के डायपर्स चाहिए होंगे या कैसा डायपर मुझे चाहिए. सबसे पहली चीज वो है. दूसरी चीज, अगर आप डायपर यूज कर रहे हो तो आपको हर 3 से 4 घंटे में बेबी का डायपर चेंज करना होता है. ऑल दो डायपर कंपनी कहती है कि वो 12 आवर्स का प्रोटेक्शन देती है, बट वाई टू वे, और हम क्यों ही बेबी की स्किन के साथ ऐसा चैलेंज लें. तो हर 3 से 4 घंटे में आप बेबी का डायपर चेंज कर दीजिए. आप वेट बिल्कुल मत करो और ऐसा भी मत वेट करो कि मैंने बस अभी डायपर चेंज किया था एंड बेबी ने लूज स्टूल पास कर दिया है तो मैं सोचूंगी कि थोड़ी देर बात करूं. नहीं, आपको इमिडिएटली वंस बेबी इज डन विद द स्टूल, जैसे उसने स्टूल मोशंस वगैरह पास ऑन कर दिए हैं, आप तुरंत डायपर चेंज कीजिए. जितनी बार आप डायपर चेंज करें, मेक श्योर कि आप स्किन को ड्राई कर रहे हो, प्रॉपर क्लीन कर रहे हो एंड इफ पॉसिबल ट्राई टू यूज ऑयल. जहां जो भी उसके बच्चे के प्राइवेट एरियाज होते हैं, वो हल्का सा ऑयल वगैरह डाल के उसे भी आप क्लीन कीजिए ताकि उस एरिया का जो मॉइस्चर है वो सील या लॉक रहे, सो दैट जो भी आपके डायपर्स हैं वो बच्चे की स्किन को ज्यादा हार्म ना करें. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्राइजेस की, तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं प्राइजेस में. अगर मैं पर पीस की बात करूँ तो जो मेरा पैम्पर्स पड़ा है वो 10 रुपीज पर पीस पड़ा है, और जो मेरा हिमालय पड़ता है वो 15 रुपीज पर पीस पड़ता है. मणिपुर को पैंस हमारा जो पड़ता है वो अगेन 14 रुपीज पर पीस पड़ता है. तो जैसे मैं मणिपुर को पैंस का एक पूरा बड़ा पैकेट मंगाती हूँ, विच इज ऑफ 56 पैंट, तो वो सब अराउंड 650-630 ऐसे पड़ जाता है. एंड ये दोनों के दोनों भी नियर अराउंड वैसे ही आते हैं. 799 का है आई थिंक हिमालय का, 790 और 795 डिस्काउंट के बाद आई बिलीव 700-750 का कुछ पड़ेगा ये. एंड सेम गोज टू पैम्पर्स. और आज में तो फिलहाल इतना ही था. आप जरूर इन तीनों डायपर्स को चेकआउट कीजिए. आपको ये डायपर्स ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आपको मेडिकल स्टोर्स भी मिलेंगे, नॉर्मल स्टोर्स पे भी आपको ये डायपर्स मिल जाएंगे. ये हर जगह पे अवेलेबल है. एंड यस, जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज डू कमेंट कि आपको कहाँ पे और कौन से वीडियोस और चाहिए बेबी से रिलेटेड, तो मैं जरूर उसको आपके साथ लेकर आऊंगी. बिकॉज रिसेंटली ये मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस है एंड आई एम शेयरिंग व्हाट आई एम डूइंग, और जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ मैं वही चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ. इट्स नथिंग कि मैं कोई प्रमोशन लेकर के आई हूँ या फिर कुछ भी पेड प्रमोशन चाहिए. तो ठीक है, वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों को कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए. प्लीज 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 प्लीज. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.